जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास. नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हायरार्की क्लासिफिकेशन. मीन्स हाउ द किंगडम्स आर फॉर्म्ड, व्हाट आर द क्राइटेरियाज विच वर टेकन, व्हाट वर द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ किंगडम. ठीक है, किस तरह किंगडम्स जो हैं, जो कि हम पढ़ते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड. ठीक है, जो कि आर एच वाइटेकर ने दिया था, इसको हम पढ़ते हैं. बट इसको पढ़ने से पहले देयर वर साइंटिस्ट जिन्होंने अलग अलग तरीके से जो है हायरार्की दिया, क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को. ओके, बट देयर वर सम शॉर्ट कमिंग्स, इसलिए उनके सिस्टम डिस्कार्ड होते गए और फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है दैट हैज़ गॉट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, उसको मिला और हम उसी को पढ़ते हैं. ओके, सो हायरार्की क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ किंगडम्स, बायोलॉजिस्ट कैटेगराइज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू सेवरल किंगडम्स. नाउ हेयर यू कैन सी द चार्ट. ओके, हेयर यू कैन सी सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया. ओके, ये शॉर्ट में दिया है, कुक टू किंगडम के बाद डायरेक्ट इसमें फाइव किंगडम आपको दिख रहा है. बट आई विल लेट यू नो कि टू किंगडम के बाद थ्री किंगडम आया, देन फोर किंगडम आया एंड फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया. नाउ टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था दैट वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस इन 1758 में. साइंटिस्ट ने कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर भी प्रपोज किया था, वो उन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन. मतलब इन्होंने जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उसको उन्होंने दो में सिर्फ डिवाइड किया, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स. ओके, बट देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो जो कि ना एनिमल और प्लांट की कैटेगरी में आते थे. ठीक है, सो उनका क्या हुआ, सो ही वॉज नॉट एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. इसलिए फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो थे, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नेस्ट हेकल. दैट यू कैन सी अर्नेस्ट हेकल ने जो दो किंगडम्स थे दैट वर फाइन, प्लांट्स एंड एनिमल. फिर इन्होंने एक और तीसरा किंगडम ऐड कर दिया, दैट वॉज प्रोटिस्टा. ठीक है, इसमें प्रो माने होता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, इसमें इन्होंने इंक्लूड किए. ठीक है, क्योंकि उनका कहीं भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, सो इन्होंने एक नया और किंगडम बना दिया और वहाँ पे जो भी प्रोटिस्टा थे, जो भी प्रिमिटिव एनिमल्स थे, उनको रखा. अब अभी भी ये सिस्टम कंप्लीट नहीं था बिकॉज देयर वॉज अनदर ग्रुप, क्योंकि उन्होंने फंजाई के बारे में कोई बात नहीं थी. फंजाई आपको पता है कि दे एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स ऑल्सो एंड एनिमल ऑल्सो. अब उनका क्या होगा, तो एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था हर्बर्ट कोपलैंड. ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था एक और किंगडम बनाया और उसको उन्होंने नाम दे दिया फंजाई. ठीक है, स्पेलिंग इज रॉन्ग, एफ यू एन जी आई होना चाहिए, इट्स फंजाई. ओके, नाउ दिस वॉज द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. ओके, फाइनली जो थे आर एच वाइटेकर आए और इन्होंने जो था एक और किंगडम ऐड किया एंड दैट वॉज द मोनेरा. ठीक है, मोनेरा किंगडम इन्होंने ऐड किया एंड फाइनली जो है हमारे सामने जो कि हम पढ़ते हैं दैट इज़ योर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. ओके, जो कि हम पढ़ते हैं दैट इज़ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. ओके, दैट वॉज गिवन बाय आर एच वाइटेकर इन 1959. अगर पूछा जाए कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया, सो द साइंटिस्ट नेम इज आर एच वाइटेकर. कब दिया, 1959 में. ओके, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था पांच किंगडम्स बनाए मोनेरा. दिस इज ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हैं. मोनेरा जो कि सबसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, इसमें बैक्टीरिया वगैरह आते थे, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाय, देन एनी प्लांटी एंड लास्टली एनिमेलिया. सो दीज आर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वी स्टडी. ओके, नाउ एक और जो कार्ल वूल्स थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो मोनेरा था, मोनेरा को इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ आर्किया एंड यू बैक्टीरिया. इन्होंने मोनेरा, उन्होंने कहा कि मोनेरा में हम दो ग्रुप्स पढ़ते हैं, एक आर्किया पढ़ते हैं, एक यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरियाज आते हैं, जो कि ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं, आर्की में प्रिमिटिव बैक्टीरियाज आते हैं. ठीक है, तो ये इन्होंने इसी फाइव किंगडम में, ये इन्होंने जो था मोनेरा को सब हम कह सकते हैं सब किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था. ओके, सो दिस इज़ द अबाउट द क्लासिफिकेशन, किस तरह जो था
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है दैट वॉज प्रपोज्ड, ओके, और उस और किस बेसिस पे हुआ, लाइक यू कैन सी, ओके, ये जो थे, ये दिस इज योर मोनेरा, जिसको हमने आर्की एंड यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया था, ओके, इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं मोनेरा में. देन कमिंग टू द प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा भी यूनिसेलुलर है, ओके, बट ये जो हैं इसमें ये यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है. दो हमने पढ़े हैं, दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. आई होप यू रिमेंबर, हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी. प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, एंड यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लोलस, एवरीथिंग, ओके. सो प्रोटिस्टा में क्या आया, यूकैरियोट्स आए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर, बोथ आर प्रेजेंट. देन फंजाई, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, एनिमिलिया ऑल्सो एंड प्लांटी ऑल्सो, ये सब मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं. नाउ दिस इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आई हैव टोल्ड यू किंगडम इज केप्ट एट द टॉप, ये सबसे जो है टॉप है. देन कम्स फाइलम, सब देन क्लास, ऑर्डर, जीनस, सॉरी ऑर्डर के बाद फैमिली, देन कम्स योर जीनस एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटी यूनिट जो है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सा दैट इज स्पीशीज. तो स्पीशीज जो हैं दे विल शो लेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, और किंगडम की अगर हम बात करें तो दे विल हैव मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. नाउ स्पीशीज इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, बेसिक यूनिट है. दे आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रिड विद ईच अदर, ठीक है, सिर्फ ये आपस में ही स्पीशीज में इंटरब्रीडिंग हो सकती. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम लोग होमोसैपियंस हैं, ओके, तो सैपियंस, हम लोग होमोसैपियंस हैं, सैपियंस स्पीशीज है, तो हम लोग मीन्स होमोसैपियन होमोसैपियन के साथ ही ब्रीडिंग कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, यहाँ हम ये कह सकते हैं, ओके. Now this is the picture which explains how the hierarchy of classification, as you can see, एक example के साथ explain किया गया है. Like kingdom की बात करें तो we comes under animal kingdom. Phylum हमारा कौन सा है, chordates. Then class is our mammal. Order primates. Family hominids. Genus is homo. And species is sapien. Okay, so this is the picture in by which you can identify, and you can name any animal, सारे ही जितने भी organism हैं, चाहे वो plant हो चाहे वो animal हो, उनको बेटा हम इसी basis पे हम classify करते हैं. This is the hierarchy of classification. Okay, so now this is all. Now I hope you all have understood. Thank you everyone.